मजबूरियाँ तो वो आप ही देख रहे हो बहुत दिक्कतें थी और हम तो हमारे पापा के साथ आए थे मम्मी पापा के साथ और भाई चार थे तीन बहने उनके साथ हम आए थे हमें तो इतना मालूम नहीं है कि जैसे वहाँ पे कितनी दिक्कतें हम खेती बाड़ी करते थे मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे वहाँ पे और यहाँ पे उसको जैसे बोला कि हम जाएंगे इंडिया में जाएंगे उन्होंने प्लान बना लिया हम इंडिया में आ गए और मोदी जी को भी बहुत कोटि कोटी, -कोटी प्रणाम क्योंकि हमें उन्होंने नागरिकता दी और हमारा भविष्य बनाने के लिए आगे हमें बढ़ाया गया है और हम हमारे बच्चे सुधर जाएंगे और कुछ पढ़ के नौकरी वगैरह भी ले सकते हैं और आगे उन्होंने नागरिकता दी क्योंकि हमें पहले तो पाकिस्तानी कहा जाता था अब पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा अब हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तानी रहेंगे और सारे हमारे जो भाई बहन आए हुए हैं उनको भी नागरिकता देनी चाहिए